अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू के टिक्कियां, आलू के कटलेट्स भी कोई कहते हैं इनको। ये आलू मैंने लिए हैं तकरीबन 4 से 5, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और इसके अलावा ये सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़े से प्याज हैं। और मिसालों में मैंने ये दिया है सूखा धनिया, काली मिर्च। ये सूखा धनिया 1 टेबल स्पून है और काली मिर्च 1.5 है। और ये जीरा जो है ना, ये 2 टीस्पून है। ये 1/2 टीस्पून जो है ना, ये कुटी लाल मिर्च है। ये 1 टेबल स्पून बल्कि ये नमक है। और ये थोड़ा सा ये हमने गरम मसाला लिया पिसा हुआ। और ये 1/2 टीस्पून जो है ये लाल मिर्च है। ये सारी चीजें इसके अंदर जाने, पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। ये आलू को मैश कर लिया हमने। अब इसके अंदर जाएगा प्याज, सब्ज़ धनिया और ये सब मिर्च। इसमें वैसे वेजिटेबल्स भी डालते हैं, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ ये देखे, ये सारा मिक्स कर दिया मैंने हर चीज़। अब हम अपनी टिक्कियाँ बना लेंगे और नॉर्मल साइज की टिक्कियाँ बना लें, और बहुत ज्यादा मोटी ना बनाए, वो फिर अच्छी नहीं लगती है। ये देखें, ये सारी हमने बना ली हैं, ये गोल गोल थे कितनी, और ये इस साइज की हमने टिक्कियां बनानी है और ज्यादा मोटी ना हो। अब हम इसको अंडे में फ्राई करेंगे। ये देखें, ये फ्राई पैन हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा डालना है ऑयल, ज्यादा नहीं डालना, बस इतना ही ऑयल डाल के अब ये यहाँ से कटलेट्स लेना है हमने, ये अंडे में डिप करना है और इसके अंदर डाल देना है। दूसरा लेना है, अंडे में डिप करना है और डाल देना है। ये सारे ऐसे डाल देने हैं। ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको खोल के आंच पे बनाया। ये हमारी तैयार है। अब हम इनको अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। निकाल दी सारी। ऐसे निकाल ली हमने, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगे, ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो हमारी आपको मिल सके।